विगत पांच दिनों से हम सब ध्यान शिविर में ध्यान कर रहे हैं। काफ़ी हम लोग अभ्यासी हो गए होंगे। शुरुआत में शरीर थका होगा, मन थका होगा। साधक का स्वयं अनुभव है, प्रथम बार जब ध्यान शिविर साप्ताहिक रखा गया इलाहाबाद में 1992 में, उस समय छोटा सा हाल है, उसमें संत ही रहे हैं, तो इतना थकाई आता था। हालांकि ध्यान तो पहले से करते आए, लेकिन साप्ताहिक नहीं। संस्थान कायम हुआ, पूज्य गुरुदेव जी 80 हो सकता है आगे पीछे, आधा घंटा के लिए एकदम निर्धारित किया गया। कुछ दिन के बाद एक घंटा, फिर 92 में साप्ताहिक ध्यान शिविर प्रारंभ हुआ। कुछ लोग, कुछ साथी बनारस विपसना में गए, तो यहाँ भी पूज्य गुरुदेव जी का मन बना, यहाँ भी शुरुआत करना चाहिए। तो साप्ताहिक ध्यान शिविर सदगुरु अविनाश साहब ने शुरुआत किए, तो उस समय हालांकि करते रहे अपनी बात, जब से गुरु जी के शरण में आए 74 से ध्यान संत लोग करते रहे, बाग में, भाटा में, छत्तीसगढ़ में, नदी किनारे जा कर के शाम सुबह बैठते थे, और 75 में सदगुरु विशाल देव अयोध्या जियनपुर में एक महीना रहे हैं। उस समय सदगुरु श्री प्रेम साहेब, सदगुरु अविनाश साहेब दोनों के ही प्रवचन चलते थे, तो प्रायः ध्यान पर चर्चा होती थी अंत अंत में रोज। तो जैसा समझ होनी चाहिए उस समय उतनी समझ तो थी नहीं, लेकिन बनावटी ध्यान चलता था, बैठता था, करता था। और इलाहाबाद संस्था कायम हुआ तो रोज सुबह शाम के नहीं, आधे घंटा चलता था, उसमें भी बैठते थे, उंघाते भी थे, चलता था। शुरुआती दौर है, साधना का प्रारंभ है, तो साप्ताहिक जब चला तो शरीर में थकान आता था, आँख भी दबाते थे, इसलिए हमारे बगल वाले साथी साहब जी कहते निशा शरण, प्रसन्नता से आँख भी दबाओ मत, आँख दबाने से भी यहाँ दर्द भी होता है, तो सरल ढंग से बताया गया, तो बात यहाँ से उठी थी कि इलाहाबाद में भी प्रयागराज जब तो हो गया है, तो करीब करीब 30 साल साप्ताहिक ध्यान शिविर, और यहाँ 98 से लगभग 25 साल होने जा रहा है। और आप हम सब एक सप्ताह से प्रयास में हैं, इस ध्यान शिविर में अभ्यास चल रहा है। हमारे
संत समाज प्रायः प्रायः पुराने हैं, अभ्यासी हैं, इन लोगों के लिए तो उतनी मेहनत नहीं। साध्वी समाज में भी इन लोग भी काफ़ी अभ्यासी हैं, उनकी बात नहीं। लेकिन नई नई बिटियाँ आई हैं, बच्चियाँ आई हैं, नए नए लड़के आए हैं, उनके लिए कठिनता तो रही होगी शुरुआत में, लेकिन अब तो काफ़ी अभ्यास बढ़ गया है और बैठने में आराम लगता होगा। अब कितना हम अपने मन को बस में करते हैं, शांत करते हैं, वो तो व्यक्तिगत की बात है। शुरुआत में आलंबन की ज़रूरत पड़ती है, स्वर योग, बिंद योग, नाद योग, अंततः पारक सिद्धांत में दृष्टा योग कहा जाए, साक्षी भाव। परक सिद्धांत में शुरुआत में यही होती थी चर्चा, विवेक दृष्टा स्थिति। पहले विवेक करो शरीर संसार की असारता पर, शरीर हाड़ मांस का ढांचा है। विवेक जितना हमारा प्रगाढ़ होता जाएगा, विवेक में और हमारा प्रगाढ़ होता जाएगा, शरीर संसार से हमारा मन और उचटेगा। तो पहले तो विवेक किया जाता है, फिर स्थित विवेक दृष्टा स्थित, फिर दृष्टा की स्थिति आती है। हमारे साथी लोग सुनाते ही थे, नदी किनारे जाया जाता है तो नदी में जो बहते हुए तमाम प्रकार के झाड़ झंखार देख रहे हैं तब तक दृष्टा है, अगर उसी में बहने लग जाए तो दृष्टा कहाँ रहेंगे। ऐसे ही मन की प्रवाह को जब तक देख रहे हैं तब तक दृष्टा है, और उसी मिल गए तो दृश्य हो गए, तो अंततः साक्षी भाव, विचार को देखना। विचार आता है जाता है, तो बारंबार ये बात आई है, और विचारों का दृष्टा होना है। अंत में सारे संकल्प शांत हो गया तो अपने में स्थित है, यही विवेक दृष्टा स्थित पारक सिद्धांत में बताया जाता है, हम लोग परिचित भी हैं। 2 घंटा हम सबको विश्राम मिल चुका है, 8 बजे से 10 बजे, और अभी अभी बैठे हैं, अभी अभी आए हैं, बैठे हैं, उतना थकान भी नहीं है, माहौल भी अच्छा है, वातावरण बढ़िया है, पंखा चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब अपना अभ्यास जारी रखें, जो आलंबन दिया गया है, जिनको जो भाता हो वही करें, और जो आसन जिनको जो प्रिय है, पद्मासन हो, सिद्धासन हो, या नमाजी आसन में भी बैठ सकते हैं। 50 के बाद तो घुटना का दर्द शुरू हो ही जाता है, तो जो आसन जिनको जैसा पसंद हो उस आसन से बैठे, सुखपूर्वक दीर्घकाल तक बैठा जा सके, वो आसन सुखपूर्वक बैठा जाए, वही आसन अच्छा आसन होता है। तो अभ्यास जारी करें, दृष्टा स्थित होनी चाहिए, साक्षी भाव, जितना मन में वैराग्य होगा, अनाशक्ति होगी, अभ्यास होगा, उतना ही मन का घुड़दौड़ शांत होगा, अपनी ओर शांत होगा। तो अभ्यास हम सब जारी करें।